नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हाल में किए गए परिवर्तनों से इन क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने प्रगति के लिए बुनियादी सेवाओं के विकास पर जोर दिया। भारत कल अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत को प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ना जरूरी होगा। वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान वीर चक्र से सम्मानित। सशस्त्र बलों के जवानों के लिए 132 शौर्य पुरस्कारों की घोषणा। और क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हाल ही में किए गए परिवर्तनों से इन क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे वहां के लोगों को देश के अन्य भागों के नागरिकों की तरह अधिकार, सुविधाएं और विशेषाधिकार मिलेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हाल ही में किए गए बदलावों से वहां के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। वे भी अब उन सभी अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे जो देश के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मिलती हैं। 73वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक बहुत ही विशेष मोड़ पर अपनी आजादी के 72 वर्ष पूरे कर रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाली महान पीढ़ी ने केवल राजनीतिक अधिकार हासिल करने के बारे में ही नहीं सोचा था, बल्कि उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता की दूरगामी और व्यापक प्रक्रिया की ओर बढ़ता कदम माना था। राष्ट्रपति ने हाल में संपन्न संसदीय सत्र पर प्रसन्नता व्यक्त की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में लंबी निर्णायक बैठकें हुई। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और सभी दलों की ओर से सहयोग मिला तथा मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संसद के हाल ही में संपन्न हुए सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की बैठकें बहुत सफल रही हैं। राजनीतिक दलों के बीच परस्पर सहयोग के जरिए कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं। इस सफल शुरुआत से मुझे यह विश्वास हो रहा है कि आने वाले 5 वर्षों के दौरान संसद इसी तरह से उपलब्धियां हासिल करती रहेगी। मैं चाहूंगा कि राज्यों की विधानसभाएं भी संसद की इस प्रभावी कार्य संस्कृति को अपनाएं। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि भारत कभी भी आलोचनात्मक समाज नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का इतिहास, नियति, धरोहर और उसका भविष्य सभी में सह अस्तित्व, सुलह, सफाई और मेलजोल का आधार है। देश के युवाओं के बारे में श्री कोविंद ने कहा कि हम युवाओं और भावी पीढ़ियों को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वो है उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उन्हें शिक्षा की कक्षाओं में जिज्ञासु बनाना। श्री कोविंद ने समाज में आधारभूत सुविधाओं का सभी के लिए प्रयोग करने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के महत्व पर भी बल दिया। देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार अनेक बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है। गरीब से गरीब लोगों के लिए घर बनाकर और हर घर में बिजली, शौचालय तथा पानी की सुविधा देकर सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत बना रही है। हर देशवासी के घर में नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाने, किसान भाई बहनों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने और देश में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की समस्या का प्रभावी समाधान करने के लिए जल शक्ति के सदुपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि आधारभूत ढांचों से लाभान्वित होना और इन्हें सुरक्षित रखना कड़ी मेहनत से प्राप्त आजादी का एक दूसरा पहलू होगा। राष्ट्र कल 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लाल किले के आसपास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्नाइपर और स्वात कमांडो समेत बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के विशेष दस्ते और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी पार्किंग स्थलों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। व्यापक सुरक्षा तैनाती के हिस्से के रूप में स्निफर कुत्ते भी लगाए गए हैं। समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान वरिष्ठ मंत्रियों, शीर्ष अधिकारियों, विदेशी प्रतिनिधियों और नागरिकों की उपस्थिति के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस कर्मियों को लाल किले के आसपास आकाश की विशेष रूप से निगरानी रखने को कहा गया है। एक उत्सव का सा माहौल हर ओर नजर आ रहा है। लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आ रहे हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ दिल्ली से। दिल्ली यातायात पुलिस ने स्वाधीनता दिवस समारोह को देखते हुए परामर्श जारी किया है। लाल किले की ओर जाने वाले 7 प्रमुख मार्गों पर सवेरे 4 बजे से दिन में 10 बजे तक यातायात बंद रहेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। जमीन के नीचे पानी का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। कई गांवों में नल और कुएं सूखे हुए हैं और पानी के लिए उन्हें मीलों दूर जाना पड़ता है। उनकी पानी की समस्या को आप दूर कर सकते हैं अपना डोनेशन देकर। डोनेशन देने के लिए पानी का नल कहीं व्यर्थ खुला देखें तो बंद कर दें। आपका ये छोटा सा डोनेशन है पर्यावरण में बड़ा योगदान, और यही है आपका ग्रीन गुड डीड। ग्रीन गुड डीड्स मतलब कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण हित में जारी। दस क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं, हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना। ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS खोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। ये संदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने श्रीनगर में पत्रकारों को बताया कि राज्य में कुल मिलाकर स्थिति शांतिपूर्ण है। घाटी सहित राज्य के किसी भी भाग से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। The overall security situation. कुल मिलाकर स्थिति शांतिपूर्ण है, कहीं से किसी बड़ी घटना की कोई खबर नहीं है। जैसा कि हमने सवेरे कहा था कि उड़ानें, राष्ट्रीय राजमार्ग, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं और बिजली तथा पानी की सप्लाई सामान्य है। पावर सप्लाई कंटिन्यू टू बी नॉर्मल। प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के विभिन्न भागों में पाबंदियों में ढील दी गई थी, इस दौरान स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। उन्होंने कहा कि कल कुछ पाबंदियां लागू हो सकती हैं, लेकिन जो लोग स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए आमंत्रित किए गए हैं उन्हें समारोह स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। हमारे संवाददाता ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि स्थानीय स्थिति की समीक्षा के बाद और राहत दी जाएगी। कश्मीर घाटी में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त अस्पतालों और अन्य नागरिक सुविधाएं भी लोगों को सामान्य तौर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के नेता शाह फैजल की गिरफ्तारी की खबरों के बारे में उन्होंने कहा कि स्थानीय तौर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा के पश्चात ही कोई भी गिरफ्तारी अथवा नजरबंदी आवश्यक होने पर ही की जाती है। इस अवसर पर उपस्थित पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक SJM गिलानी ने स्वीकार किया कि कुछ नजरबंदियां सार्वजनिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत एहतियात के तौर पर की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू कश्मीर से रहना। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कल श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण समारोह के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। राज्यपाल के प्रवक्ता रोहित कंसल ने आज श्रीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अंतरिक्ष और साइबर जगत में हो रहे तकनीकी प्रगति से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने दोहराया कि भारत की रक्षा नीति क्षेत्रीय, महाद्वीपीय और वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के तहत रक्षा सामग्री के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
बदलते वैश्विक परिदृश्य में रण क्षेत्र सिर्फ जल थल वायु तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि स्पेस और साइबर स्पेस में भी इनका विस्तार होगा ही। इसलिए भारत को टेक्नोलॉजिकल एज बनाए रखते हुए किसी भी संभावित घटना के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा मंत्री स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज नई दिल्ली में रक्षा बलों को संबोधित कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने सैनिकों को आश्वासन दिया कि सरकार उनका मनोबल ऊंचा बनाए रखने के लिए जो कुछ जरूरी होगा करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के संबोधन पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल इंद्रप्रस्थ और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। सुनो बच्चों, बुधवार को कोई छुट्टी नहीं लेगा। स्कूल में आधार कैंप लगने वाला है जिसमें आप सब अपने आधार में बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। मैडम, बायोमेट्रिक मतलब? बायोमेट्रिक अपडेट मतलब उंगलियों की छाप और आंखों की स्कैन। 5 और 15 साल की उम्र होने पर आधार में ये बायोमेट्रिक अपडेट करना अनिवार्य होता है। और हाँ, जिनके पास आधार नहीं है वो भी अपना आधार इस कैंप में बनवा सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। ये आकाशवाणी है। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को स्वतंत्रता दिवस पर वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अभिनंदन ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 जेट विमान को मार गिराया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों के कार्मिकों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों को 132 पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। इनमें 2 कीर्ति चक्र, 1 वीर चक्र, 14 शौर्य चक्र, सेना के लिए 8 पदक, 90 सेना पदक, 5 नौसेना पदक, 7 वायुसेना पदक और 5 युद्ध सेवा पदक शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 946 पुलिसकर्मियों को पदक दिए जाएंगे। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 3 कर्मियों को, 177 कर्मियों को पुलिस शौर्य पदक और 89 कर्मियों को उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। 677 कर्मियों को उल्लेखनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिए गए हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 2 विकेट पर 148 रन बना लिए थे। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक दिवसीय क्रिकेट मैचों के बाद दोनों टीमें 22 अगस्त से 2 टेस्ट मैच खेलेंगी। ये दोनों मैच नॉर्थ साउंड और एंटीगा में खेले जाएंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 353 अंक बढ़कर 37,312 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 104 अंक बढ़त के साथ 11,029 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 71.27 रूपये के स्तर पर पहुंच गया। चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा से सीधे चंद्रमा की ओर बढ़ चला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने आज तड़के 2:21 पर लगभग 20 मिनट की प्रक्रिया में चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालकर चंद्रमा की ओर भेज दिया। चंद्रयान 2 इस महीने की 20 तारीख को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा है कि 1 अक्टूबर से कर विभाग द्वारा करदाताओं के साथ किए गए सभी पत्राचार में दस्तावेज पहचान संख्या DIN अंकित होगी। बोर्ड ने कहा है कि DIN का जारी करना करदाताओं की बेहतर सेवा की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। इसके साथ ही सरकारी कार्य व्यवहार की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हाल में किए गए परिवर्तनों से इन क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने प्रगति के लिए बुनियादी सेवाओं के विकास पर जोर दिया। भारत कल अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत को प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ना जरूरी होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।